हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जबरदस्त बर्फ गिर रही है, लेकिन अगले 5 दिन जो हैं वो हिमाचल के लिए काफी मुसीबत वाले सिद्ध होने वाले हैं। 5 दिन का हिमाचल में भारी बर्फबारी का अलर्ट। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और दूसरे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी के चलते शिमला शहर और ऊपरी शिमला में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। शिमला से नारकंडा जाने वाली सड़क बंद हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 8 दिनों तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान शिमला समेत 8 जिलों में 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 24 से 26 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इस दौरान किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू के साथ शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिले और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। टेम्परेचर बढ़ रहे हैं अभी ना, क्योंकि क्लाउड्स हैं तो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ने शुरू हो गए, जैसे शिमला का भी 5 डिग्री आ गया है। लेकिन इससे होता है कि जो क्लाउड से दिन के टेम्परेचर कम हो रहे हैं तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर में कमी आ रही है, और आगे भी ये जो सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा कि अगले करीब करीब 1 वीक टाइम जो है मौसम खराब रहेगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर में भी कमी आएगी। बर्फबारी ने सैलानियों को खुश किया तो लोगों की मुसीबतें भी बढ़ाएं। सूबे में 3 नेशनल हाईवे समेत 275 सड़कें ठप हो गई। सरकार ने सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जो भी अलर्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है और सभी विभागों को पहले ही आदेश दे दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ बर्फबारी के कारण सड़कें ज़्यादा अवरुद्ध रहती है उन सड़कों की पहचान करके उनको आदेश दे दिए गए हैं, और निश्चित तौर पर बर्फबारी के बाद जहाँ भी है सभी रोड को हम खोलने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हुई तो पारे ने भी गोता लगाना शुरू कर दिया। ज्यादातर जगहों का तापमान लुढ़क कर 0 के करीब पहुंच गया। आज तक ब्यूरो।